नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूमिका बंसल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी एंड फीटल मेडिसिन। और आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड्स करवाने चाहिए, या जब भी वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो कौन कौन से अल्ट्रासाउंड्स उनको सजेस्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या आपको कुछ लक्षणों के कारण ऐसा अंदेशा होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट करते हैं, जो वजाइना के थ्रू एक स्कैन होता है जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर हम ये रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी कहीं यूट्रस के बाहर फलोपियन ट्यूब्स या ओवरी में तो नहीं आ रही, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके बाद जो एक सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कि हम वायबिलिटी स्कैन कहते हैं, ये अमूमन 7 से 8 हफ्ते प्रेगनेंसी के बीच में किया जाता है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छा सा जेस्टेशनल सैक यानी कि बच्चे का घर देखें, योक सैक देख सकें, और फीटस बच्चे का छोटा सा शरीर फीटल नोड ये देख सकें, और बच्चे में हार्ट बीट आई है या नहीं आई है ये देख सकें। सो ये हुआ सेकंड स्कैन। एक तीसरा स्कैन जो कि आम तौर पे आजकल गायनेकोलॉजिस्ट्स पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं इज़ एन NTNB स्कैन, या फिर न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी नेजल बोन स्कैन, जिसको कि हम लोग जीनेटिक सोनोग्राम भी कहते हैं। ये 12 से 13 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की गर्दन के पीछे की स्पेस, जिसको कि हम न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं, ये देखते हैं, और बच्चे की नाक की हड्डी देखते हैं जिसको हम नेजल बोन कहते हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्लड फ्लो पैटर्न स्टडी करते हैं, जैसे कि डक्टस विनोसस का ब्लड फ्लो, ये बच्चे के शरीर में एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल होता है, या फिर यूट्रस को कितना ब्लड जा रहा है, यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो, ये सारे ब्लड फ्लो स्टडी करते हैं, और इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जैसे कि बच्चे में 3 कॉमन कॉजेज ऑफ क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़, यानी कि 13, 18 और 21 नंबर के क्रोमोसोम्स की गड़बड़ियों का क्या रिस्क है, बच्चे की मोटी मोटी बनावट ठीक है या नहीं है, जैसे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर मोटा मोटा ठीक बन रहा है, स्पाइन ठीक बन रही है, बच्चे के हाथ पैर ठीक बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चे को ठीक से ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो ब्लड थिनर्स देके हम इस ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्कैन होता है ये 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है प्रेगनेंसी में, इसको हम लोग लेवल 2 स्कैन या टीफा कहते हैं, इस या फिर अनोमली स्कैन भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में हम सर से लेके पैर तक ये देखते हैं कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड स्कैन। इस अल्ट्रासाउंड में बच्चे को आगे पीछे सब तरफ से देखा जाता है, और ये अल्ट्रासाउंड कई बार बच्चे की पोजिशन पर डिपेंड करता है, और ये अल्ट्रासाउंड करने में 3 से 4 घंटे का टाइम भी लग सकता है। इसके बाद अगर ज़रूरत है कुछ पेशेंट्स में जिनमें कि पिछले बेबी में कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ रही है, या फिर टीफा में कोई हमें दिक्कत महसूस हुई है, तो उन माओं में 22 से 23 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में बेबी के हार्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको कि हम लोग फीटल इको कहते हैं। इसके बाद 28 हफ्ते के बियॉन्ड एवरी 3 to 4 वीक्स, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द हाई रिस्क, या फिर उससे जल्दी भी बेबी की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए ग्रोथ स्कैन या कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आइसोलेशन में आज की तारीख में ग्रोथ स्कैन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एवरी अल्ट्रासाउंड दैट इज़ डन टू ट्रैक द ग्रोथ ऑफ द बेबी हैज़ टू बी अ कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यानी कि बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ हम बच्चे के आसपास का पानी और उसको ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, हमें ये ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा
आजकल 3D और 4D स्कैन्स भी बहुत प्रचलन में हैं। इन अल्ट्रासाउंड से हम बच्चे के फेशियल फीचर्स देख सकते हैं। कुछ कारणों से फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट करना चाहते हैं 3D या 4D स्कैन्स, जैसे बच्चे के फेशियल फीचर्स को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, बच्चे के लिप्स पैलेट देखने के लिए, और कई बार हार्ट और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखने के लिए। तो आपने जैसे कि समझा, शुरू से जो स्कैन्स करे जाते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी लोकलाइजेशन के लिए, फिर प्रेगनेंसी की वायबिलिटी देखने के लिए, फिर एक एंटी स्कैन, टीफा, फीटल इको अगर ज़रूरत है तो, और फिर ग्रोथ स्कैन्स नहीं, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स एज एंड वेन इंडिकेटेड। तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट के परामर्श के हिसाब से अल्ट्रासाउंड्स कराएं, घबराएं नहीं। अल्ट्रासाउंड्स प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, ये कोई रेडिएशंस नहीं है जिनके एक्सपोजर से बच्चे में कोई विकार आए। नमस्कार, हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड फॉलो अस फॉर मोर।